रोमी, तुम अपने लिए भी कुछ देख लो ना। हाँ भाभी, आप अपने लिए क्यों नहीं शॉपिंग करते? अब मैं उतनी देर ना अपने लिए आंसर शॉपिंग करके आती हूँ, ठीक है? देखो भाई, ये लाइट ग्रीन वाला दिखा दे, ये ऊपर जो रखा है लाइट ग्रीन। जी नाइस रूमी, ये वाला कलर देखो कितना खूबसूरत है, तुम पर कितना अच्छा लगेगा। सी ताबिश इवेंट के हिसाब से काफी हेवी नहीं है, और कलर भी रेड है, मुनासिब लगेगा। मुझे तो सिर्फ इतना बताया कि मेरी रूमी इसमें बहुत खूबसूरत लगेगी। ताबिश, कहीं भी शुरू हो जाती हो, और अगर इवेंट वाले दिन मुझे किसी ने कहा ना कि अपने बेटे की सालगिरह के दिन दुल्हन बनकर बैठ गई, तो कभी बात भी नहीं करूंगी तुमसे। मेरा बस चले ना, मैं तुम्हें सिर्फ सुख रख के कपड़ों में ही देखू। तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि मुझे पसंद है, प्लीज। आप इसे पैक करते हैं। थैंक यू। माशाल्लाह, आहिल के कपड़े तो बहुत प्यारे हैं ना। आखिर चॉइस किसकी है? बेटा आपने क्या लिया अपने लिए? पापा मैंने, पापा पहले आप मेरी शॉपिंग तो देखे ना, ये देखे दो ड्रेस। वाह वाह, बहुत प्यारा है, कलर बहुत खूबसूरत है। पापा रूमी के लिए मैंने अपनी पसंद से ड्रेस लिया। बेटा कभी उस बेचारी को अपनी मर्जी भी चलाने दिया करो। पापा भाई है तो सही भाभी की पसंद के। अच्छा बेटा दिखाओ ना तुमने क्या लिया है। हाँ वैसे मैंने भी नहीं देखा, कैसा है? देखो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, कलर बहुत प्यारा है ना? ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा रूमी। यू नो मम्मी, इसका कलर बिल्कुल दुल्हनों वाला है, भाभी ये नहीं पहन सकती, नो वे। मैं कह रही थी ताबिश से, लेकिन ये माने ही नहीं, अब कुछ और ही पहनना पड़ेगा। क्यों कुछ और पहनना पड़ेगा? अरे कलर तुम्हें बहुत सूट करेगा, तुम यही कलर पहनोगे।